जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय रक्षा मंत्री ने कंफर्म किया कि भारत की योजना 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फ्लीट बनाने की है। HAL और DRDO जल्द ही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करेंगे एक एडवांस रडार। भारत श्रीलंका में स्थापित करेगा स्मॉल आर्म्स एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। गलवान में भारत के फोर्सेज अपनी नॉर्मल बेस पोजीशन से आगे हैं तैनात। और पाकिस्तान ने टेस्ट करी अपनी S-400 किलर मिसाइल। द ट्रिब्यून के साथ बातचीत में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्लियर किया गया कि भारत जल्द ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का कार्य शुरू करेगा और भारत केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक ही सीमित नहीं होने वाला है बल्कि आगे चलकर करीब 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बनाए जाएंगे। और शायद ये पहली बार है जब भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर भारत के लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में संकेत दिए गए, क्योंकि अभी तक भारत के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात तो चली रही थी लेकिन इनके बाद ही भारत रुकने वाला नहीं है बल्कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बनाने की योजना है। तो ये भारत के लॉन्ग टर्म प्लान्स को दर्शाता है और जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि भारत चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाली योजना को भी मैच करने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन की योजना है 2030 तक कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाना और चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है और चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, तो उसके समुद्री परीक्षण भी ऑलरेडी चीन की तरफ से शुरू कर दिए गए। रही बात भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो अभी तक तो इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं तो उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में INS विक्रांत का ही रिपीट ऑर्डर शामिल रहेगा। लेकिन हाँ, INS विक्रांत की तुलना में इसमें थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं और INS विक्रांत के रिपीट ऑर्डर के बाद फिर जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि संभावित रूप से एक बड़े साइज का कैटोबार मैकेनिज्म वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। लेकिन हाँ, इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। और केवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है बल्कि इससे ऑपरेट करने के लिए फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो उनसे भी ऑपरेट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट्स की कमी है। हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए 26 डेक बेस्ड फाइटर के लिए टेंडर ऑलरेडी जारी हो रखा है जिसमें संभावना है रफाल एम फाइटर्स को लिए जाने की। वहीं इसके अलावा TED-BF जैसा स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम भी है जो कि आगे चलकर इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में डिप्लॉय होंगे। बाकी इसके अलावा इंडियन नेवी अभी MiG-29 के फाइटर्स को ऑपरेट कर रही है। और बता दें कि नेवी ने टोटल 45 MiG-29 के फाइटर्स को खरीदा था जिनमें से 3 को हम दुर्घटनाओं में खो चुके हैं, यानी कि भारत के पास केवल 42 MiG-29 के फाइटर्स हैं। हालांकि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए हमारे पास फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन तो होनी चाहिए, यानी कि लगभग 36 एयरक्राफ्ट। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन नेवी पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग नंबर्स में फाइटर्स को ऑपरेट करती है। जैसे कि वॉर टाइम के समय जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी में ऑपरेट होते हैं, यानी कि उसमें पूरे 36 एयरक्राफ्ट रहेंगे। लेकिन पीस टाइम में केवल एक ही स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ती है, यानी कि केवल 18 एयरक्राफ्ट। और अभी वर्तमान समय में नेवी के पास ऑलरेडी 42 MiG-29 के फाइटर्स हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कम से कम पीस टाइम के हिसाब से तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए पर्याप्त संख्या में एयरक्राफ्ट हैं तो आप गलत हैं। और उसका रीज़न है एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेशियो वाला फैक्टर। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक MiG-29K का जो अवेलेबिलिटी रेशियो है वो 60% के आसपास है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो उसको केवल 50% भी बताती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अच्छा केस यानी कि 60% वाला केस लेते हैं तो इस हिसाब से किसी भी समय ऑपरेट करने के लिए हमारे पास केवल 25 से 26 MiG-29 के फाइटर्स ही उपलब्ध रहेंगे। और अगर आप 26 फाइटर्स को 2 कैरियर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास वर्तमान समय में हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए केवल 13 एयरक्राफ्ट ही। यानी कहने का मतलब है कि फिलहाल अभी हमारे पास पीस टाइम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में फाइटर जेट्स की संख्या नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने के साथ साथ फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक DRDO और HAL जल्द ही डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एरियल सर्विलियंस एंड रिकॉनसेंस रडार को इंटीग्रेट करने का कार्य शुरू करेंगे। और DRDO लेबोरेटरीज ने जो हाई रेजोल्यूशन की रडार विकसित करी है तो वो माइक्रोवेव बेस्ड एक्स बैंड SAR यानी कि सर्विलियंस एंड रिकॉनसेंस रडार है जो कि डिसीजन मेकर्स को रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड करने में भी सक्षम होगी। ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ आएगी और ये दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स को मैप करने की कैपेबिलिटी भी रखेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सोमवार को राफा के पास एक हमले में UN के स्टाफ मेंबर के तौर पर कार्य करते हुए जो इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम था कर्नल वैभव अनिल काले, तो उनकी जान चली गई थी। तो आपको बता दें कि इस मामले पर UN की तरफ से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है और इस इंसिडेंट की जो डिटेल्स हैं उन्हें इसराइल के डिफेंस फोर्सेज के साथ वेरीफाई किया जा रहा है। और इसकी जांच के लिए UN ने एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल को स्थापित किया है जो कि निर्धारित करेगा कि आखिर इस हमले के लिए जिम्मेदार था कौन। और इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अथॉरिटीज के साथ वे कंटिन्यू टच में रहेंगे।
आज बुधवार को श्रीलंकन ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि श्रीलंका में स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए वे भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के डिफेंस कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। और उनका कहना था कि हम इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ टच में हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भारत से ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और रही बात स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने की, तो ऑलरेडी मिलिट्री इंडस्ट्री में जॉइंट वेंचर को लेकर डिस्कशन जारी है। और श्रीलंकन ऑफिशियल की स्टेटमेंट खास तौर पर तब आई है जब अभी कुछ समय पहले भारत के हाई कमिश्नर टू श्रीलंका मिस्टर संतोष झा की तरफ से कहा गया था कि भारत श्रीलंका जैसे अपनी फ्रेंडली पार्टनर कंट्रीज़ को मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट ऑफर करने की इच्छा रखता है। और भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए ऐसे कई सारे एडवांस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट हैं जो कि श्रीलंकन मिलिट्री को बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से मॉडर्न सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और बाकी अब श्रीलंकन ऑफिशियल्स की तरफ से भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि श्रीलंका में स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी है। और खैर, बाकी अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको सूचित कर दें कि हमारी ऑफिशियल क्लोथिंग साइट squadron.in पर कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर स्पेशल सेल चल रही है, जिसमें आप कूपन कोड विजय का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि PKMKB वाले कूपन कोड का क्या हुआ, तो चिंतित ना होइए, जो PKMKB वाला कूपन कोड है वो हमारी ऑफिशियल साइट्स पर हमेशा लागू रहेगा। आप उसको भी यूज़ करके कभी भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिस पर इंडियन आर्मी के एक हेक्साकॉप्टर में माउंट की गई गन से फायर किया जा रहा है। तो इससे जुड़ा एक अपडेट यह है कि मशीन गन से इक्विप जो हेक्साकॉप्टर ड्रोन आपने देखा था, तो वो भारत के पुणे बेस्ड इकरान एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए उनके सिरिन सीरीज के हेक्सा ड्रोन्स थे। और मॉड्यूलर वेपन सिस्टम से इक्विप जो ये हेक्साकॉप्टर्स हैं, ये कई अलग अलग तरह के कॉम्बैट सिनेरियोस को अडेप्ट कर सकते हैं। और ये स्मॉल फायर आर्म से लेकर ग्रेनेड्स, मोटार्स, तो इनसे भी इक्विप किए जा सकते हैं। और इसमें इस्तेमाल किया गया जो एडवांस टारगेट डिटेक्शन एल्गोरिदम है, तो वो कोलेटरल डैमेज के रिस्क को सबसे कम करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है। और बाकी स्पूफिंग और जैमिंग जैसे पोटेंशियल थ्रेट से भी सुरक्षित है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल मंगलवार को ICC के एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि अब LAC के साथ जिस तरह के फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो वो असामान्य है और देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और साथ में उनकी तरफ से बताया गया कि 2020 की तुलना में अब जाकर क्या बदलाव हुए हैं, तो 2020 में जहां पहले चाइना ने मल्टीपल एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करके एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी फोर्सेज को बॉर्डर्स के पास तैनात किया, और वो भी ऐसे समय पर जब हमारे देश में कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके भारत ने काउंटर डिप्लॉयमेंट करी। और तब से अब तक 4 वर्ष हो चुके हैं और अब जो हमारी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो गलवान में उनकी नॉर्मल बेस पोजीशन से आगे है। और LAC के साथ इस तरह की डिप्लॉयमेंट बहुत ही असामान्य है। आज बुधवार को पाकिस्तान ने अपने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतेह 2, तो इसका सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लॉन्च कंडक्ट किया था। और पाकिस्तान का जो ये फतेह 2 रॉकेट सिस्टम है, इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। और पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि फतेह 2 को S-400 किलर का नाम देते हैं, यानी कि उनको लगता है कि भारत ने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए उनकी फतेह 2 मिसाइल पूरी तरह से कैपेबल है, और जो कि पाकिस्तान के मुताबिक डीप टारगेट्स पर प्रिसाइज स्ट्राइक करने में सक्षम है। और खैर, पाकिस्तान जहां एक तरफ फतेह 2 जैसी रॉकेट सिस्टम्स को लॉन्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ PUK के लोगों का पाकिस्तानी फोर्सेस के अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। और PUK के लोगों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक ये है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना अधिकार चाहते हैं, जिसे पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि PUK में इतना कुछ हुआ और अभी भी हो ही रहा है, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल मीडिया है वो शांत बैठी है, और जो थोड़े बहुत इसको कवर कर भी रहे हैं, तो वो इसको ऐसा दिखाई नहीं रहे कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, जबकि अलग अलग हेडलाइंस के थ्रू इस पूरे इंसिडेंट को मैनिपुलेट करने के सारे प्रयास जारी हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इस तरह के प्रयासों को काउंटर करने के लिए हमारे प्रयास भी जारी रहेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली एक पेट्रोलिंग पार्टी, जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया के साथ सिपाही मूलाराम, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही बनवारी लाल, सिपाही भीकाराम और सिपाही नरेश सिंह, ये सभी शामिल थे। तो हमारे इन वीरों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मुकाबला करते हुए इस देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और पाकिस्तानी आर्मी के घुसपैठियों ने हमारे इन वीरों को अलाइव कैप्चर किया था, और फिर कुछ दिनों बाद बहुत ही शत विशत हालत में उनका पार्थिव शरीर भारत को हैंडओवर किया गया। और जबकि आज इंडियन आर्मी के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सर की 31st डेथ एनिवर्सरी भी। तो चलिए, आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा को कौन से वर्ष में फील्ड मार्शल के रैंक में प्रमोट किया गया था। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।